नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा CHMO के नाम एक ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में प्रमुख मांग की थी PPA किट और अन्य प्रोटेक्टर संबंध में नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सामान की मांग की गई थी, परंतु उक्त ज्ञापन के संबंध में CHMO द्वारा को नोटिस दिया गया। वहीं दुर्गा सोनी द्वारा भी उक्त नोटिस का जवाब दिया गया है। वहीं CHMO ने कहा कि हमारे द्वारा शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और हमने श्री न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को संघ के जिला अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कल ज्ञापन दिया था जिसमें PPT किट और अन्य प्रोटेक्शन के अन्य सुविधाओं की मांग की थी एम्बुलेंस सहित। वरिष्ठ कार्यालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो PPE किट है वो आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो स्टाफ इंट्यूबेशन कर रहा है, सक्शन कर रहा है या नेबुलाइजेशन कर रहा है उनको PPE किट पहनना है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी के सैंपल ले रहे हैं उनको PPE किट पहनना है। अभी तक जितने भी लोगों के सैंपल लिए गए हैं उसमें हमने लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर को पूरे PPE किट उपलब्ध कराए हैं और आइसोलेशन वार्ड में भी जो सिस्टर ये काम कर रही हैं उनको हमने उपलब्ध कराए हैं। फील्ड वर्कर को सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर पहनने के निर्देश हैं। कहीं भी ऐसे निर्देश नहीं है कि फील्ड स्टाफ को PPE किट में ये पूरी किट देना है और एम्बुलेंस देना है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को जो उन्होंने कल जो ज्ञापन दिया था जानकारी लगी कि शासन द्वारा या आपके द्वारा नोटिस दिया गया? नोटिस मेरे द्वारा दिया गया है क्योंकि निर्देश ऐसा कहीं भी नहीं है कि फील्ड वर्कर को एम्बुलेंस और PPE किट देना है। फील्ड वर्कर स्थिति में कैसे मास्क यूज करना है ना, ट्रिपल लेयर मास्क यूज करना है। नहीं, पर आने जाने का साधन ऐसे नहीं ऐसे कोई ऐसे नहीं, रूटीन काम है। जो NM जिस गांव में काम कर रही है वो उसका रूटीन कार्य है, रोज भी वो जा रही है, उसका वही एरिया है। बड़वानी प्रॉपर की जो NM है वो प्रॉपर में रह रही है और बड़वानी प्रॉपर के वार्डों में ही जाना है। तो वार्डों में जाने के लिए 11 NM है और 11 NM को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जो वर्कर अपने गांव में रह रहा है तो उसको अपने गांव के वार्ड में ही जाना है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। उसका रूटीन का काम है, रोज वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में वहीं पर काम कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर के हमने जिला चिकित्सालय में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इसके अतिरिक्त आशाग्राम अस्पताल ने हमें अपना पूरा अस्पताल 100 बिस्तर का मरीजों के इलाज के लिए दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 130 आइसोलेशन बेड तैयार हैं। दवाइयां पर्याप्त हैं और सामग्री पर्याप्त हैं। फील्ड के लोग सभी काम कर रहे हैं। जिले में 7-8 रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और 7 विकास खंडों में है। इसके अलावा सभी विकास खंडों में 2 मोबाइल मेडिकल टीम बनाई गई है। जो भी लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे हैं प्रथम दृष्टया NM और आशा कार्यकर्ता उनके घर जाकर के विजिट कर रहे हैं और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है तो उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है और जिन लोगों को तकलीफ है उन लोगों को रैपिड रिस्पॉन्स टीम और मोबाइल मेडिकल टीम के द्वारा सस्पेक्टेड। अभी हम लोगों ने टोटल 20 लोगों के सैंपल भेजे हुए हैं जो विदेशों से आए हुए हैं। क्या स्थिति है? 2 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी बाकी। लोगों को क्या क्या अभी वो लोग सभी स्वस्थ हैं और उन सभी लोगों को होम आइसोलेशन पर रखा हुआ है। क्या नाम है, क्या नाम आपको? जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम बत्रा है। मैं नाकान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़वानी के अंदर। सर, अभी आप नोडल अधिकारी कहाँ हैं सर, क्या जानते हैं? मैं नोडल अधिकारी, मैं रैपिड टास्क फोर्स के अंदर हूँ। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं या फिर जितने भी लोग आते हैं बाहर से, विदेशों से या फिर जो बाहर यहाँ के भी हैं और वो कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पर बताते हैं तो हम लोग उनके पास जाते हैं ताकि होम आइसोलेशन में वो रहें, बाकी और लोगों को आके इन्फेक्ट ना करें। तो कितने लोगों की सर रिपोर्टें अपनी भेजी हुई हैं अभी तक? कहाँ भेजी गई है? जी, अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग टेस्ट किए जा चुके हैं जिनको हमने हाई सस्पेक्टेबिलिटी पे रखा है, ठीक है, जिसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है जो नेगेटिव थी, बाकी 18 लोगों की बाकी है।
अभी तक जितने सैंपल्स थे वो एम्स भोपाल में जा रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी में। अभी दो दिन पहले से 24 तारीख से यहाँ पर MGM अस्पताल इंदौर में चालू किया गया है इसका परीक्षण के लिए, तो अभी सैंपल्स वहाँ पर जाना चालू होंगे, तो अपने को कम समय में ज़्यादा रिपोर्ट जल्दी मिल पाएगी। मिनिमम कितने दिन में आ जाएगी? तीन दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी 3 से 5 दिन लग रहे थे क्योंकि ट्रैवल में टाइम ज़्यादा लग रहा था, अपने को 24 घंटे के अंदर तो सैंपल पहुँचाना रहता है, तो वो 24 घंटे तो लग ही रहे थे सैंपल पहुँचने में, वहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में इंदौर में सैंपल जमा हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सवाल जमा करने का समय है, तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि हम यहाँ से डायरेक्टली सैंपल वहाँ पर पहुँचा सकें।